हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। यहां पर आज हम लोग अपने 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ सर्कल। यहां पे स्टूडेंट्स, ये ज्योमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा है पूरे ज्योमेट्री के चैप्टर्स में भी। तो यहां पर आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने ज्योमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। बट उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहले आज हम लोग बहुत ही बेसिक से करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉन्ग्यूरेंट सर्कल। तो यहां पर कॉन्ग्यूरेंट सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर मैं अगर दो सर्कल बनाऊं इस तरह से, तो यहां पर मैं कब बोल सकता हूं कि ये दोनों सर्कल जो है वो कॉन्ग्यूरेंट है? मैं तब बोल सकता हूं जब इन दोनों के रेडियस क्या होंगे, सेम होंगे। क्योंकि अगर रेडियस सेम है स्टूडेंट्स, तो दोनों सर्कल का जो है वो साइज क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर अगर दोनों के रेडियस सेम है, जैसे मैं आर वन बोलूँ और इसे R2 बोलूँ, तो R1 is equal to R2 होगा, तो ये दोनों सर्कल जो है वो क्या होंगे, कॉन्ग्यूरेंट होंगे। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज अवर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं इस तरह से एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, अब ये सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, ठीक है, तो ये सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, तो ये सर्कल जो है वो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। बड़े वाले सर्कल का जो छोटा वाला सर्कल है वो बड़े वाले सर्कल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके लिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी पर डिपेंडेंट है, डेट इज़ इंटरसेक्टिंग सर्कल। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग सर्कल होता है स्टूडेंट्स, उसका मतलब क्या होता है कि इस तरह से ये जो दो सर्कल्स हैं वो इन दोनों पॉइंट्स पे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे इस तरह से अगर बनाता, तो यहाँ पर ये दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है। तो ये है कि द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग सर्कल नहीं है, ये बस टचिंग सर्कल है। इंटरसेक्ट होने के लिए उन्हें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना ज़रूरी है, और वही दो पॉइंट्स जो है वो दोनों सर्कल के कॉमन पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पर ये तीन जो सर्कल्स थे हमें वो पढ़ना ज़रूरी था। आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2, 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर तीन सर्कल बनाऊँ इस तरह से, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है, और इसे मैं पॉइंट अगर ए दे दूँ, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। यहाँ पर तीन सर्कल है स्टूडेंट्स, जो एक सेंटर है पी, एक सेंटर है क्यू और एक सेंटर है आर। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तीनों सर्कल जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे टच हो रहे हैं, जो पॉइंट है ए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये तीनों सर्कल जो है वो क्या कर रहे हैं, आर पासिंग थ्रू वन कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पर ये हमारा वन कॉमन पॉइंट तो हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसमें तीन सर्कल थे, बट यहाँ पर इस पॉइंट से और कितने सर्कल पास हो सकते हैं? तो अगर आपका आंसर जो है वो बहुत सारे हैं या इनफाइनाइट है, तो आप राइट हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो एक और सर्कल ऐसे बना दूँ, फिर एक और सर्कल छोटा सा बना दूँ, एक और सर्कल ऐसे बड़ा बना दूँ। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे सर्कल जो है वो इसी एक पॉइंट से पास हो सकते हैं। तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, कि इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू वन कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। आइए सेकंड की तरफ आते हैं, उसमें टू है। तो यहां पर अगर मैं तीन पॉइंट्स बनाऊं स्टूडेंट्स, ए बी और इस तरह से सी अगर बना दूं मैं, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि एक सर्कल चाहिए मुझे जो दो पॉइंट्स का, जो दो पॉइंट से कॉमनली पास हो, तो यहां पर अगर मैं इस तरह से सर्कल बना देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है हमारा वो ए बी, ए से भी पास हो रहा है और बी से भी पास हो रहा है। फिर यही सेम चीज़ मैं अगर इसके लिए बोलूँ तो सी और बी से पास हो रहा है। फिर यही सेम चीज़ अगर मैं इसके लिए बोलूँ तो ए और सी से पास हो रहा है। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि ए और सी से क्या इस सर्कल के अलावा भी और कोई सर्कल्स पास हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं इस तरह से एक बड़ा सा सर्कल बना दूँ और यहाँ पर भी इस तरह से बड़ा सा सर्कल बना दूँ, इस तरह से
बड़ा सा सर्कल बना दूं। तो यहाँ पर भी क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो दो पॉइंट है उससे ये एक छोटा सर्कल पास हो रहा है, फिर ये एक बड़ा सर्कल पास हो रहा है। इसी तरह और भी बहुत सारे सर्कल जो है वो क्या होंगे, ए और बी से पास होंगे। सिमिलरली सी और बी से भी बहुत सारे सर्कल्स और ए और सी से भी बहुत सारे सर्कल्स। तो यहाँ पर टू पॉइंट्स भी की भी बात जब भी आएगी तो यहाँ पर भी क्या होगा, इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी पासिंग थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गया। आइए थ्री पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। अब थ्री पॉइंट्स में यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है स्टूडेंट्स, कि जो तीन पॉइंट है वो तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो अगर वो तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है, इस तरह से अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसे सर्कल बनाता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरा ए बी और सी हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि ए बी सी जो है वो कोलिनियर नहीं है, बट मैं अगर बोलूँ कि मुझे एक और सर्कल बनाना है जो ए बी सी से ही पास हो, तो ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। एक ही यूनिक सर्कल हो सकता है जो तीनों पॉइंट्स से साथ में पास हो, वरना अगर मैं एक और सर्कल बनाना चाहूँ जो ए बी सी से साथ में, यही वाले सर्कल के साथ में पास हो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मैं अगर बनाना चाहूँ भी तो इस तरह से अगर मैं बनाऊँगा तो बी छूट जाएगा, इस तरह से बनाऊंगा तो सी छूट जाएगा, इस तरह से बनाऊंगा तो ए छूट जाएगा। तो यहां पर मतलब क्या हुआ कि जब एक सर्कल थ्री पॉइंट से गुजरता है तो वो एक यूनिक सर्कल होता है, और सिर्फ वही सर्कल वो तीनों पॉइंट से गुजर सकता है, दूसरा और कोई सर्कल वो तीनों पॉइंट से नहीं गुजर सकता। तो यहां पर क्या होगा, सिर्फ एक यूनिक सर्कल ही थ्री पॉइंट से पास हो सकता है, लेकिन कब, जब वो पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर ना हो। तो पॉइंट्स जो है वो नॉन कोलिनियर होने चाहिए। अगर कोलिनियर है स्टूडेंट्स, जैसे ये 1 2 3, ये तीन पॉइंट्स जो है वो हमारे कोलिनियर है, तो यहाँ पर कोई भी सर्कल बन ही नहीं सकता। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो यहाँ पे, ऐसे बनाऊँ तो यहाँ पर, और ऐसे बनाऊँ तो इस तरह, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक पॉइंट छूट ही रहा है। क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो क्या है, कोलिनियर है। तो यहाँ पर हमने थर्ड वाले के इसमें दो कंडीशन देखी, अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो भी सिर्फ एक सर्कल बनेगा, और अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एक भी सर्कल उनसे पास नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यह हमें समझना ज़रूरी था स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे जो हम थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं, थ्योरम हम प्रूफ करने वाले हैं, उसमें ये यूज़ होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट थ्योरम ऑफ सर्कल चैप्टर। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपना थ्योरम स्टार्ट करने से पहले सीकेंट क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है एक रफ आइडिया में समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो टेंजेंट है, हम इससे जो है वो पहले भी वाकिफ़ हो चुके हैं, हम पहले भी ये वर्ड सुन चुके हैं, तो मैं फिर भी आपको पहले वापस से बता देता हूँ कि हमारा टेंजेंट होता क्या है। कि अगर ये हमारा सर्कल है और उससे एक लाइन पास हो रही है जो सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट को टच कर रही है, सिंगल पॉइंट को अगर वो टच कर रही है, तो यहाँ पर हमारा जो लाइन L है वो क्या है, सर्कल O का टेंजेंट है। बट यहाँ पर अगर एक और सर्कल है, सर्कल Q, और यहाँ पर ये जो लाइन N है वो दो अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही है। एक पॉइंट में समझो A ले लिए और एक पॉइंट B ले लिए, तो यहाँ पर जो लाइन L है वो दो अलग अलग पॉइंट्स पे टच हो रही है, दैट इज़ वन A एंड सेकेंड B। तो यहाँ पर क्योंकि ये लाइन N दो अलग अलग पॉइंट्स पे टच कर रही है सर्कल को, तो लाइन N जो है वो क्या है, हमारा सीकेंट है और ये हमारा टेंजेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट्स, वो है टेंजेंट थ्योरम। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपना थ्योरम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा थ्योरम क्या है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। यहाँ पर यानी एक सर्कल है हमारा, इस तरह से अगर एक सर्कल है और इस परपेंडिकुलर क्या है, टेंजेंट, एक टेंजेंट भी है इसे, यहाँ पर इस तरह से टेंजेंट है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी यहाँ से अगर रेडियस ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी ये जो टेंजेंट है वो सर्कल को यहाँ पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन द टेंजेंट एंड द सर्कल। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर यहाँ से मैं यहाँ तक एक रेडियस बनाऊँ तो क्या है वो, इसको क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है। तो यहाँ पर अगर हमारा डायग्राम जो है वो इस तरह से बनेगा कि ओ ए हमारा रेडियस है और एल जो है वो क्या है, टेंजेंट है। तो ये बातें तो हमें दी हुई है, तो यहाँ पर आइए हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं गिवन से कि लाइन एल इज टेंजेंट, ये हमें दिया हुआ है, और ओ ए जो है, ओ ए इज़ रेडियस। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें दी हुई है। आगे हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव
ये हमारा टू प्रूफ क्या है कि ओ ए जो है ओ ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले तो अज्यूम करना पड़ेगा कि ओ ए जो है वो लाइन एल को परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से एक डायग्राम बनाता हूँ स्टूडेंट्स। ये जो है हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट एल, ये जो हमारा टेंजेंट है एल, और यहाँ पर मैं एक लाइन बनाऊँगा, ये मेरा पॉइंट ओ है, दैट इज़ माई सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट बनाता हूँ ओ बी, और ओ बी को मैं कंसिडर करूँगा कि ओ बी परपेंडिकुलर है और ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है। और सिमिलरली एक और इसी तरह से इसके इक्वल एक और लाइन बनाऊँगा, दैट इज़ ओ सी। तो यहाँ पर हम पूरी चीज़ें जो है वो लिखेंगे कि अज्यूम दैट ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ओ बी परपेंडिकुलर टू लाइन एल है। तो ओ ए तो हमारा रेडियस ए ही है। अब यहाँ पे ड्रॉ पॉइंट सी ऑन लाइन एल सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी क्या है, इक्वल है। इस तरह से हमने अपना कंस्ट्रक्शन कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्यूरेंट प्रूफ कर सकता हूँ क्या, आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल सी ओ बी एंड बी। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, सबसे पहले तो ये हमने जो है वो परपेंडिकुलर लिया है, तो सी बी ओ, एंगल सी बी ओ क्या है, कॉन्ग्यूरेंट टू एंगल ए बी ओ। ठीक है, ये कहाँ से आएगा, बोथ राइट एंगल्ड। ठीक है, दोनों राइट एंगल है। उसके बाद बी सी और बी ए, बी सी इज कॉन्ग्यूरेंट टू बी ए, ये कहाँ से आया हमें, ये तो हमने जो है वो खुद से लिया है, तो कंस्ट्रक्शन से आएगा, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ओ बी इज कॉन्ग्यूरेंट टू ओ बी, ये क्या है हमारा कॉमन साइड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो साइड और एक एंगल क्या है, कॉन्ग्यूरेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर ट्राइंगल सी ओ बी इज कॉन्ग्यूरेंट टू ट्राइंगल ए ओ बी बाय विच टेस्ट, यहाँ पर आएगा एस ए एस टेस्ट। ठीक है, एस ए एस टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉमन हो गए। अब यहाँ पर ये जब क्या है, कॉन्ग्यूरेंट है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ओ ए इज कॉन्ग्यूरेंट टू ओ सी। क्यों, कैसे आएगा वो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्यूरेंट ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर फॉर ओ ए इज कॉन्ग्यूरेंट टू ओ सी, ये कहाँ से आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्यूरेंट ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा रीजन है। बट यहाँ पर हमें पता है कि ओ ए क्या है, हमारा रेडियस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट ओ ए इज रेडियस, देयर फॉर ओ सी इज रेडियस। क्योंकि ओ ए रेडियस है तो ओ सी भी रेडियस होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया कि ओ ए और ए सी क्या है, ओ ए और ओ सी क्या है, यहाँ पर कॉन्ग्यूरेंट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो है वो रेडियस है, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर टू लाइन एल है। बट यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स के एक जो है टेंजेंट हो और वो दो लाइन से पास हो, है ना, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, यहाँ पर ओ ए हो गया और सी हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों से पास हो रहा है, हमने ये प्रूफ किया है। बट अगर ऐसा है तो ये लाइन एल जो है वो क्या होना चाहिए था, सीकेंट होना चाहिए था, बट हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर हमारा जो लाइन है वो क्या है, टेंजेंट है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमने जो अजम्पशन किया यहाँ पर कि ओ बी इज परपेंडिकुलर और ओ ए परपेंडिकुलर नहीं है, ये अजम्पशन हमारा क्या हो गया है, इनडायरेक्टली रॉन्ग हो गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर अजम्पशन दैट ओ बी इज परपेंडिकुलर टू एल इज रॉन्ग। ठीक है, तो जब ओ बी परपेंडिकुलर नहीं है तो इनडायरेक्टली ओ ए जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। देयरफॉर ओ ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल या टेंजेंट एल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो प्रूफ कर लिया। अब स्टूडेंट्स ये जो है वो डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट प्रूफ। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने कंसीडर किया कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो ओ बी को हमने परपेंडिकुलर ले लिया, और सेम ए बी से डिस्टेंस बनाया बी सी तक, यानी ए बी और बी सी दोनों का डिस्टेंस क्या है, हमारा
सेम है। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्यूरेंट प्रूफ किया और OA और OC को क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्यूरेंट प्रूफ कर दिया। बट हमारा OA जो है वो ऑलरेडी क्या है, रेडियस है, तो उस वजह से OC भी रेडियस हो जाएगा। और अगर ये दोनों रेडियस है तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनना चाहिए था जो कि लाइन L को एक सीकेंट बना दे रहा है। बट यहाँ पर हमें थ्योरम में दिया हुआ है कि लाइन L जो है वो हमारा क्या है, टेंजेंट है। तो यहाँ पर हमारा अजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा कि OA जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया, और क्योंकि हमारे अजम्पशन रॉन्ग हो रहे हैं इसका मतलब OA परपेंडिकुलर है। सो दिस इज आवर इनडायरेक्ट प्रूफ फॉर आवर टेंजेंट थ्योरम। आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। हम उसमें स्टार्ट करते हैं सेकेंड थ्योरम, दैट इज आवर कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। यहाँ पर हमने जो अभी टेंजेंट थ्योरम प्रूफ किया ये बिल्कुल उसका उल्टा है। आइए यहाँ पर हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस, यानी एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है रेडियस को। यहां पर लाइन बोला हुआ है स्टूडेंट्स, उसमें हमें टेंजेंट बोला हुआ था, यहां पर हमें एक लाइन बोला हुआ है, यानी हमें जो है वो टेंजेंट प्रूफ करना है। तो यहां पे क्या बोला हुआ है, इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, यानी हमें बोला हुआ नहीं है कि लाइन L जो है वो टेंजेंट है, हमें ये चीज क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो यहाँ पर भी एक इनडायरेक्ट प्रूफ है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं, यहाँ पर हमें गिवन क्या है, M इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेगमेंट MN इज़ द रेडियस, MN हमारा रेडियस है, और लाइन L जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है सेगमेंट MN को। ये चीज़ हमने पिछले वाले थ्योरम में स्टूडेंट्स प्रूफ की थी, यहाँ पर ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि लाइन L जो है, ये लाइन L वो क्या है, टेंजेंट है सर्कल को, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक लाइन बना, एक पॉइंट लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग पॉइंट P, एक पॉइंट P लेंगे हम, कहाँ, ऑन द लाइन L, लाइन L पर, ठीक है, कहीं पर भी, लेकिन क्या, अदर देन N। तो यहाँ पर N के अलावा हम L पे कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेंगे, दैट इज अवर P। तो यहाँ पर हमने P ले लिया, और फिर क्या करेंगे, जॉइन M बाय P, that is MP। तो यहाँ पर हमने जो है M और P को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स के इन ट्राइंगल MNP, ये दिख रहा है ट्राइंगल हमारा, ये जो ट्राइंगल बना है MNP, क्योंकि N जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, ये हमें दिया हुआ है कि ये दोनों जो एक दूसरे को परपेंडिक्युलर है, तो परपेंडिक्युलर है मतलब 90 डिग्री होगा। तो MNP जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देयरफॉर MP is the hypotenuse, है ना, MP जो है वो हमारा hypotenuse हो जाएगा, क्योंकि side opposite to 90 is our hypotenuse। तो यहाँ पर MP हमारा hypotenuse हो गया students। अब जब MP hypotenuse है तो MP is the largest side of the triangle, तो यहाँ पर हम लिखेंगे therefore MP is greater than what, MN। तो MN से क्या है, ग्रेटर है, क्यों, क्योंकि MN रेडियस है, बट MN जो है वो छोटा है किससे, MP से। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्योंकि MN जो है वो रेडियस है, तो आइए यहाँ पे एक सर्कल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर मैं अगर बोलूँ ये M है और ये N है, ठीक है, तो रेडियस है अगर ये, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि MP, यानी मुझे MP बनाना है, लेकिन MP जो है वो क्या है, N से, MN से बड़ा है, रेडियस से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि वो सर्कमफ्रेंस पे नहीं होगा, सर्कमफ्रेंस से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि क्यों MN जो है वो MP से छोटा है, तो MP जो है वो सर्कल के बाहर जा रहा है। देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर द पॉइंट P डज नॉट लाई ऑन द सर्कल, यहाँ पर हमारा जो पॉइंट P है वो सर्कल पे लाए नहीं कर रहा है। अब क्योंकि पॉइंट P जो है वो सर्कल पे लाए नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स, तो यानी एक ही पॉइंट है लाइन L का जो सर्कल पे लाए कर रहा है, दैट इज पॉइंट N। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर ओनली वन पॉइंट, दैट इज पॉइंट N ऑफ लाइन L lies on the circle। तो सिर्फ एक पॉइंट लाई हो रहा है, और हमें टेंजेंट का डेफिनेशन पता है स्टूडेंट्स कि अगर एक सर्कल है और उसके सिर्फ एक पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है, तो ये लाइन हमारा क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है। देयरफॉर लाइन L इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल
एम। तो इस तरह से हमारा ये भी इनडायरेक्ट प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर लाइन एल पे एक पॉइंट लिया जो पी है और वो टच नहीं हो रहा है सर्कल को, ये हमने प्रूफ किया क्योंकि एम पी जो है वो रेडियस से बड़ा है, और क्योंकि एम पी बड़ा है तो पी पे वो कहीं पर भी सर्कल पे लाई नहीं करेगा हमारा पॉइंट पी, और पॉइंट पी जो है वो सर्कल से बाहर होगा। तो लाइन एल पे सिर्फ एक पॉइंट जो है वो सर्कल पे इंटरसेक्ट होगा, डेट इज़ पॉइंट एन, और जब सिर्फ एक पॉइंट टच होता है या इंटरसेक्ट होता है सर्कल को, सो दैट लाइन इज कॉल्ड एज टेंजेंट। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड थ्योरम भी प्रूफ होता है स्टूडेंट्स। आइए लास्ट थ्योरम देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा थ्योरम नंबर 3, दैट इज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। हमारा ये थ्योरम जो है वो हमें एक्टिविटी के शक्ल में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपना सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। यानी यहाँ पर क्या बोला हुआ है, सेगमेंट्स यानी एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है कहीं पर भी, वहाँ से हमने क्या बनाया है, टेंजेंट बनाया है सर्कल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी डी जो है वो एक टेंजेंट है और क्यू डी भी जो है वो एक टेंजेंट है। तो ये दोनों जो है वो टेंजेंट है किसको, सर्कल ए को। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रहा है कि हमें जो है PD और QD को क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी PD का लेंथ और QD का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, हमें ये प्रूफ करना है। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल PAD यानी PAD, तो यहाँ पर हम इसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर QAD, तो QAD को भी इस तरह से हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है हमें, सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश, यानी PA जो है वो किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, और हमें यहाँ पर रीजन दिया हुआ है कि रेडियस। तो यहाँ पर हमें पता है कि PA अगर रेडियस है तो QA भी रेडियस होगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा सेगमेंट QA। तो यहाँ पर सेगमेंट QA जो है वो रेडियस है सेम सर्कल के, तो यहाँ पर दोनों जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू AD, यानी AD और AD ये दोनों ट्रायंगल का क्या है, कॉमन साइड है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो साइड्स हो गए। अब तीसरा यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एंगल APD, एंगल APD, तो यहाँ पे हमें पता है कि PD जो है वो टेंजेंट है, हमें ये पता है, और AP जो है वो हमारा क्या है, रेडियस है, ये भी हमें पता है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि रेडियस और टेंजेंट अगर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है कि ये 90 है, और यही चीज़ सेम चीज़ इस पर भी अप्लाई हो रही है, तो ये दोनों भी 90 है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि एंगल APD इज इक्वल टू AQD क्योंकि बोथ आर वॉट, 90। कहाँ से आया हमें ये, टेंजेंट थ्योरम से। नेक्स्ट इज अवर वॉट, हमने जो है वो दो साइड्स और एक एंगल की मदद से प्रूफ कर दिया कि एंगल PAD और एंगल QAD क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं हम कि DP इज कॉन्ग्रुएंट टू DQ, DP इज कॉन्ग्रुएंट टू DQ, यही जो हमारा क्या है, प्रूफ है। बस इसका रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स, के करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा थ्योरम प्रूफ होता है स्टूडेंट्स। बाकी जो पहले दो थ्योरम पढ़े हमने वो एग्जाम में बहुत कम चांसेस हैं आने के, बट यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ अवर दिस चैप्टर। वो दोनों थ्योरम्स भी हमें यूज होंगे, बट प्रैक्टिकली यूज होंगे, हमें थ्योरम प्रूफ करने के लिए वो शायद से ना पूछे, बट यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर अवर प्रैक्टिस सेट 3.1। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।